गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और आप जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने आपको 11.B वगैरह को हमने जो है सॉल्व कर दिया है। तो आज हम लोग, जैसा तुम देख रहे हो कि चैप्टर का हमने हेडिंग डाल दिया हुआ है, एक्सरसाइज 11D चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है अर्थमैटिक मीन के बारे में देखना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले समझेंगे कि अर्थमैटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले तो बात इसी पे हो जाए। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि सपोज करो कि ये 2 है, ओके, और यहाँ 6 है, यहाँ ये कोई 2 नंबर है। हम तुमसे कहें कि इन 2 नंबर के बीच कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो जो तीनों AP में हो जाए। फिर समझो क्या बोल रहे हैं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम तुमसे ये कहें कि 2 नंबर के बीच कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर बताओ कि तीनों AP में हो जाए, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि 4 रख दिया जाए यहाँ पर, ओके। यदि यहाँ 4 होगा तो अब तीनों AP में हो जाएगा। देख लो, दिस माइनस दिस टू, इसका मतलब तीनों AP में हो गया है, ओके। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 4 इज द अर्थमैटिक मीन। हम क्या बोलेंगे, 4 इज द अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स 2 एंड 6। यानी यहाँ जो ये 4 जो होगा, ये जो है अर्थमैटिक मीन है बिटवीन टू गिवन नंबर्स 2 एंड 6। तो ये तो तुम ये 2 और 6 के बीच का तुम सिंगल अर्थमैटिक मीन को बता रहे हो, लेकिन यदि हम तुमसे ये कहें कि यहाँ पर ऐसे कोई 4 नंबर बताओ जो सभी जो है AP में हो जाए, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 2 नंबर के बीच सिंगल अर्थमैटिक मीन रखना है तो चलो रफली हम लोग हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन यदि हम यही चीज कहें कि इन 2 नंबर के बीच 4 ऐसे नंबर बताओ कि वो सबके सब पुनः जो है AP में हो जाए, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो हम लोग इसी बात को समझेंगे कि आखिर 2 नंबर के बीच अगर सिंगल अर्थमैटिक मीन रखना हो तो उसके लिए कोई फॉर्मूला आ जाता, यदि 2 नंबर के बीच जो है 10 अर्थमैटिक मीन रखने हो, 6 अर्थमैटिक मीन रखने हो, तो उसके लिए क्या स्टेप अपनाई जाए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम ले लेते हैं, थ्योरम, ठीक है। ए थ्योरम, तो सबसे पहले थ्योरम है, 2 नंबर दिए होंगे वहां हम सिंगल अर्थमैटिक मीन पहले निकालेंगे। ए थ्योरम, टू फाइंड द सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, 2 नंबर गिवन रहेंगे, टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। ये हमारे पास कोई 2 नंबर ए और बी है, गिवन है, इनके बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन जो है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, हम ऐसा मान लेते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं कि लेट ए इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन, इज द सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। ऐसा हमने माना कि 2 नंबर जो गिवन है ए और बी, उनके बीच का सिंगल अर्थमैटिक मीन क्या है, ए है, तो स्वाभाविक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, क्या कि यही 2 नंबर्स थे, इनके बीच का सिंगल अर्थमैटिक मीन ए है, तो स्वाभाविक है कि तीनों फिर से क्या हो जाते होंगे, एपी हो जाते होंगे। तो कह दे क्या कि दिस आर इन AP, ऐसा कहना सही होगा। गैस जरा सोच के देखो, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अरे यार, ये अर्थमैटिक मीन है तो खासियत तो होनी ही चाहिए कि अगर ये अर्थमैटिक मीन है तो इसका मतलब तीनों जो है AP में तो होंगे ही। अब यदि AP में है तो बड़ा स्पष्ट है जी
कि दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल. सो इसलिए कह रहे क्या कि दिस माइनस दिस ओके मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस. ऐसा हम कह सकते हैं क्या, है ना, ए इसके साथ मिलकर क्या बना दिया 2a और ए गया उधर तो पॉजिटिव, ए हो गया a प्लस बी, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी बाई टू. तो ए आ चुका है फॉर्मूला के रूप में, चाहे तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर ले. अभी जैसे मान लो अभी जो हम तुमको एग्जांपल समझाए कि दो नंबर था 2 और 6, हमने बोला कि एक ऐसा नंबर बीच में रख दो कि तीनों ए पी में हो जाए, तो तुम्हारा जवाब था 4 रख दिया जाए. यानी देखो ना, यही तो ए है, यही बी है और यही हमारा ए था. तो अगर तुमको सिंगल अर्थमेटिक में निकालना होता है तो तुमको करना क्या है, देखो ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी 8 हो गया, बाई टू कर दोगे तो 4 आ जाएगा. समझ में आ गई बात ना. तो चल अब हम लोग चैप्टर की ओर पर जाते हैं. अब तो इस सिंगल अर्थमेटिक में निकालना हो तो इसके लिए तरकीब आ चुका है, लेकिन अगर 4 अर्थमेटिक में निकालने हो, 6 अर्थमेटिक में निकालने हो, तो उसका भी हम तरीका बताएंगे. लेकिन पहले हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ए चैप्टर फर्स्ट, ए चैप्टर जो है का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 19, 9 एंड 19 के बीच आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए और वो भी सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए. ओके, सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए गाइस. तो कैसे करें, अरे यही ए है क्या, यही बी है. जरा सोचो, यहां पर ए के रूप में यहां पर कौन है, 9 है, तो गिवन नंबर ए और बी तुम लिए थे ना, और बी के रूप में क्या है, 19 है. तो फॉर्मूला क्या कहता है कि इनके दो नंबर के बीच सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बाई टू होना चाहिए. क्यों, 9 प्लस 19 बाई 2, ए मिलके कितना हो जाएगा जी, 28 बाई 2, ए 14, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड थर्ड भी, फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं. दो नंबर कौन है, -16 और -8, -16 एंड -8, ये दो नंबर है, इनके बीच का जो है सिंगल अर्थमेटिक मीन हम लोगों को चाहिए. तो ए के रूप में कौन है मेरा, -16, ओके, बी के रूप में कौन है मेरा, -8 है, है ना, बी के रूप में -8 है. फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि भाई सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ये होता है ए प्लस बी बाय टू, यानी ए मतलब क्या -16, बी मतलब क्या -8 बाई टू, ये कितना हो जाएगा -24 बाई टू, -12 आंसर. अब तुम देख सकते हो दो क्वेश्चन बन गए. अब जैसे तुम फिर से यहां पर लौटो, ये 9 और 19 दिए हुए थे, इनके बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन हमने कौन बताया, 14, ये बता रहे, इसका मतलब तीनों एपी में होना चाहिए क्या, तुम चेक करके देखो, 14 माइनस 9 5, 19 माइनस 14 5, तीनों एपी में है, इसका मतलब स्पष्ट है जी कि 14 इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स 9 एंड 19. उसी प्रकार से तुम यहां देखो, हमारे पास दो गिवन नंबर कौन थे, एक -16 था, एक -8 था, इनके बीच नंबर कौन से रखने की बात है, -12. तुम देखो ये क्या तीनों एपी में हुए कि नहीं, दिस माइनस दिस करो 4 आ रहा है, दिस माइनस दिस करो 4 आ रहा है, इसका मतलब तीनों एपी में हो रहे हैं. इसका मतलब -12 इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स -16 एंड -8. ओके, ठीक है. लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करें, तो उसके लिए एक ले लेते हैं हम लोग थ्योरम. ठीक है, तो अगला थ्योरम आप नोट कर ही ले. अगला थ्योरम, टू फाइंड द एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर, ए एंड बी, ये दो नंबर आपके गिवन है, इनके बीच आपको एन अर्थमेटिक मीन रखने हैं.
जिससे कि सब अगर एन अर्थमेटिक बीन रख दे ए और बी के बीच, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऐसा हमने माना कि लेट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन बी एन अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स एंड बी, ए एंड बी। ऐसा हमने माना कि दो नंबर ए और बी के बीच का एन अर्थमैटिक मीन कौन है, ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन, ए एन। ओके, तो एन अर्थमैटिक मीन चाहिए, इसका मतलब तो यही होता है गाइस कि हमें ए वन ए टू ए थ्री ए एन का मान चाहिए, है ना। तो कैसे ये मान निकाला जाए, सोचो केयर करो। अगर ये एन अर्थमैटिक मीन है दो नंबर ए और बी के बीच, इसलिए सो कहना सही होगा क्या कि ए, ओके ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन बी। सोच लो ये ए और बी के बीच का ए एन अर्थमैटिक मीन है, तो क्या ये सभी ए पी में होंगे, क्या कहना सही होगा कि ये सभी जो है आर इन ए पी, ऐसा कहना जो है सही होगा क्या। तुम सोचो हम क्या बोल रहे हैं, ये दो नंबर्स गिवन थे ए और बी, इनके बीच का जो है एन अर्थमैटिक मीन हमने ऐसा माना, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी जो है ए पी में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि ए बी जो है कौन सा टर्म होगा, तो हम कह रहे हैं कि एन टर्म यहां पर है, एक टर्म पहले भी है, इसका मतलब हो गया कि ये एन टर्म और एक टर्म पहले भी है, तो स्वाभाविक हो गया कि बी जो है एन प्लस टू टर्म होगा, एन प्लस टू वा टर्म होगा, सहमत हो। सोचो ना यार, एन टर्म यहां है, एक टर्म पहले भी है, तो बी जो है कौन सा टर्म होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं एन प्लस टू वा टर्म होना चाहिए। अब एपी का फॉर्मूला लगाओ कैसे निकलेगा, तो ए प्लस यहां जो भी होता है उससे जो है एक कम इन टू डी, ओके बी ए एक घटा, ये हो गया एन प्लस वन इन टू डी, ओके यहां से एक उधर भेज दो, ये हो गया बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, ओके यहां से डी का मान अगर तुम निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और इसको हमने बना दी बॉक्स। मतलब अब तक हुआ क्या कि इस सीक्वेंस का, इस एपी का जो है कॉमन डिफरेंस कितने का है, उसकी जानकारी हम लोगों को चल रहा है। हमें क्या बताना है, एन अर्थमेटिक मीन बताना है, इसका मतलब हमें ए वन ए टू ए थ्री इन्हीं का तो मान बताना है ना यार, है ना, ठीक है। तो इधर से मिटा दो, पॉज करके लिखना है, ओके। अब ये बताओ कि फर्स्ट अर्थमैटिक मीन क्या होगा, इधर से भी मिटाते हैं जी, ये फर्स्ट अर्थमैटिक मीन क्या होगा। फर्स्ट अर्थमैटिक मीन हम देख रहे हैं यही है, और ये भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट अर्थमैटिक मीन जो है सेकंड टर्म है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट अर्थमैटिक मीन सेकंड टर्म है, दूसरा टर्म है, ओके। और दूसरा टर्म तुम कैसे देते हो, तो हम देते हैं ए प्लस डी के रूप में, ओके ए ठीक है, डी निकला है, डी का मान निकला है, डी का मान निकला है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, सही बात है। अब उसी प्रकार से यानी क्लियर हो गया है, अच्छा थोड़ा सा अच्छा होता थोड़ा सा हम यहां पर भी लिख देते कि फर्स्ट अर्थमैटिक मीन मतलब ए वन है, फर्स्ट अर्थमैटिक मीन कौन है मेरा, ए वन है, और ए वन मेरा दूसरा टर्म है ना, और दूसरा टर्म में प्लस टू होगा। अब उसी प्रकार से बोलूंगा कि सेकेंड अर्थमैटिक मीन क्या होगा, सेकेंड अर्थमैटिक मीन मतलब क्या हम ए टू की बात कर रहे हैं,
ए टू कैवा टर्म होगा, देखो 1 2 3 क्लियर है, तीसरा टर्म होगा। और तीसरा टर्म हम लोग कैसे देते हैं, तो ए प्लस टू डी के रूप में देते हैं, एक कम ए प्लस टू डी। अब बस डी का मान रख दो, ए प्लस टू डी मतलब क्या, ओमा बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो क्लियर हो गया कि सेकंड अर्थमेटिक मीन ए है ना। उसी प्रकार से थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए थ्री की बात कर रहे हैं। ये थर्ड अर्थमेटिक मीन कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म होगा। अब फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए प्लस थ्री डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ए प्लस थ्री डी का मान, डी का मान फिर ला रहे वहां से, तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ अर्थमेटिक मीन, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, सिक्स अर्थमेटिक मीन, डॉट 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 की भाई हम निकालते चले गए। क्लियर है। अब जो सबसे लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन है वो निकाल लेते हैं, यानी एनथ अर्थमेटिक मीन क्या होगा। एनथ अर्थमेटिक मीन मतलब ए एन की बात कर रहे हैं, ए एन जो लास्ट अर्थमेटिक मीन कौन सा टर्म होगा, तो हम कह रहे हैं कि एन प्लस वन टर्म होना चाहिए। तुम एग्री हो, सोचो पहला अर्थमेटिक मीन दूसरा टर्म बन रहा है, दूसरा अर्थमेटिक मीन तीसरा टर्म बन रहा है, तीसरा अर्थमेटिक मीन चौथा टर्म बन रहा है, तो एनथ अर्थमेटिक मीन एन प्लस वन टर्म नहीं बनेगा क्या। और एन प्लस वन टर्म कैसे देते हैं जी, तो ए प्लस एक कम डी, एक कम यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी हो जाएगा। ए प्लस एन डी मतलब क्या, वो मान लाया जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दी कि एन अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इतना होना चाहिए, सेकंड अर्थमेटिक मीन इतना होना चाहिए, थर्ड अर्थमेटिक मीन इतना होना चाहिए, एनथ अर्थमेटिक मीन ये होना चाहिए। तो अब जो भी तुमको क्वेश्चन मिलेगा इसी फॉर्मेट पे, इसी लीकेज पर तुमको आगे बढ़ना है, और बस हम लोग जो है क्वेश्चन जो है बनाते चले जाएंगे। ओके, यहां तक नोट किया जाए तो फिर आगे बढ़ूं। लिख लिए कंप्लीट, बता दो 1 2 3 4। चल अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन बना गए, यानी दो नंबर्स दिए होंगे, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन रखना हो तो बस अब यही टेक्निक, यही लिख पकड़ के चलना है जी, बस फटाफट काम हम लोग बता देंगे, समझ रहे हो। अब जैसे कि क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि इंजर्ड फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 29। एक क्वेश्चन नंबर टू है, 4 and 29 के बीच फोर अर्थमेटिक मीन इंजर्ट करना है, मतलब फोर अर्थमेटिक मीन क्या होंगे हमें जो है यही बताना है गाइस। ओके, चलो तो बताओ क्या करें। यही ए दो दो नंबर जिसको हम ए और बी कहते हैं, यही हमारा ए है, यही हमारा बी है, समझ रहे हो बात को ना। तो ऐसा करो कि इनके बीच हमें चार अर्थमेटिक मीन बताना है, तो मान लो चार अर्थमेटिक लेट क्या, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है ना, बी द फोर अर्थमेटिक मीन, बी द फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, बिटवीन टू गिवन नंबर्स 4 and 29। हम ये दो नंबर 4 and 29 के बीच फोर अर्थमेटिक मीन हमने माना, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, यानी इसी का मान चाहिए हमको। तो स्वाभाविक है कहना सही होगा क्या कि 4 a1 a2 a3 a4 and 29, ये सभी अब एपी में होंगे क्या। अगर ये हमारे चार अर्थमेटिक मीन है तो स्वाभाविक है पूरा रिजल्टिंग हमारा जो है एपी में होना चाहिए क्या। कह रहे क्या आर इन
एपी, समझ रहे हो बात को ना। अब यदि एपी में है तो ये बताओ कि 29 कौन से टर्म होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ टर्म होगा क्या? अरे सोचो ना, चार टर्म पहले से थे, ये चार टर्म ये हो गए, एक पहले से, पांच एक छह, या ऐसे नहीं समझ पाते तो गिन लो यहां से, छठा टर्म है। अब सोचो सिक्स टर्म कैसे देते हो, ए प्लस फाइव डी देते हैं क्या? ए की जानकारी है हमारा फर्स्ट टर्म चल रहा है फोर प्लस फाइव डी, ये आया इधर तो 25th हो गया है ना, इसलिए स्पष्ट है डी का मान कितना आ रहा है, फाइव, बॉक्स बना लिया, डी का मान फाइव है जी। यानी इन यहां पर, यहां ये जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो निकल गया। अब सोचो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो हम कह रहे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन तो मेरा ए वन है, और फर्स्ट अर्थमेटिक मीन दूसरा टर्म है क्या, देखो ये सेकंड टर्म है क्या, और सेकंड टर्म कैसे देते हो, तो हम कहते हैं ए प्लस डी, यही तो करते हैं हम लोग। ए की जानकारी है मेरा फर्स्ट टर्म कितना चल रहा है, फोर चल रहा है, डी का मान कितना निकला है, फाइव निकला है, यानी जुड़कर कितने हो गए, नाइन। इसका मतलब क्लियर है कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मान कितना है, नाइन है। अब उसी प्रकार से सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सेकंड अर्थमेटिक मीन मतलब ए टू का मान क्या होगा, तो ए टू कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा टर्म होगा, और तीसरा टर्म तुम कैसे देते हो, तो ए प्लस टू डी के रूप में देते हो, एक कम ए प्लस टू डी। अब तो समझ रहे हो गया, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है फोर प्लस टू, डी का मान कितना है फाइव, फाइव टू जै टेन प्लस फोर्टीन। तो चलो भाई सेकंड अर्थमेटिक मीन की भी जानकारी हो गया अगर 14 होगा। उसी प्रकार से थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन मतलब ए थ्री, ओके। तो तीसरा अर्थमेटिक मीन कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है जी, है ना, चौथा टर्म है, चौथा टर्म कैसे देते हैं, ए प्लस थ्री डी के रूप में देते हैं, ए का मान कितना है फोर प्लस थ्री, डी का मान कितना आ रहा है फाइव, तो कितना हो गया, 19 हो गया क्या। अब फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, मतलब ए फोर की बात कर रहे हैं, ए फोर मेरा कैवा टर्म है, ये देखो गिन के देख लो, पांचवा टर्म है, एक ज्यादा होता है समझ लो। थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो एक ज्यादा फोर्थ टर्म, फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो एक ज्यादा फिफ्थ टर्म। अगर हम कहें कि बीसवा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हम कहेंगे इक्कीसवा पद होगा, समझ में आ रही बात, एक ज्यादा हो जाता है। तो ए फाइव कैसे दोगे, तो ए प्लस फोर डी, ओके। ए का मान कितना आ रहा है गाइस, वहां से देखो फोर है ना, फोर, ए फोर डी मतलब क्या फाइव, ए कितना हो जाता है 24 हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब तुमको चेक करना है, समझ लो, चेक करके देख लो, ये है फोर, ए वन कितना आया नाइन, ए टू कितना आया 14, ए थ्री कितना आया 19 है ना, ए फोर कितना आया 24, और ए रहा 29। अब तुम चेक करके देखो ये सभी एपी में है कि नहीं, चार पाँच, नौ पाँच, चौदह पाँच, उन्नीस पाँच, चौबीस पाँच एपी में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज द फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स 4 and 29। तो अब तो समझ रहे हो ना कि कभी भी दो नंबर्स के बीच अगर तुम कुछ है कितना भी अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, आई थिंक अब दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, है ना, मिटा दिया जाए इसको। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, एक आधा क्वेश्चन और देख लूँ जरा, कौन सा क्वेश्चन ले लें, जो सिमिलर क्वेश्चन है कुछ छोड़ दें आपके लिए। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले ले लेते हैं, इसके बाद आते हैं। कह रहा है 7 में कह रहा है कि दो नंबर है 11 and 29, इनके बीच 5 नंबर इस प्रकार से रखने हैं। सुन लो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, घुमा के कैसे पूछ रहे, ये सिंपल नहीं बोल रहे कि पांच अर्थमेटिक मीन बताओ। कह रहा है इनके बीच पांच वो कौन से नंबर है कि पूरा रिजल्टिंग जो है फिर से मेरा एपी में हो जाए। सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर पांच अर्थमेटिक मीन चाहिए, पांच ही बोल रहा है ना, थोड़ा सा चेक कर लो जी। इन इंजर्ड फाइव नंबर्स,
आपको इन दो नंबर के बीच फाइव नंबर इस प्रकार से इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस प्राप्त हो वो एपी में हो। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहो ना कि इनके बीच जो पांच अर्थमेटिक मीन बताओ। ठीक है, तो हमने माना कि भाई ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है ना, ऐसा माना ए थ्री ए फोर ए फाइव जो है पांच अर्थमेटिक मीन है बिटवीन बी द फाइव अर्थमेटिक मीन, ऐसा माना हमने फाइव अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स क्या 11 and 29। ठीक है, 11 और 29 के बीच हमने मान लिया कि पांच अर्थमेटिक मीन, यही तो स्वाभाविक है कि 11 ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड 29 आर इन ए पी, ऐसा कहना सही है क्या? तुम सोचो ना यार कि 11 और 29 के बीच ये हमारे पांच अर्थमेटिक मीन, तो स्वाभाविक सब तो एपी में होंगे ही ना, अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन तो ही कह रहा है यार। तो बोलो 29 कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ टर्म होगा। सेवेंथ टर्म हम लोग कैसे देते हैं, सोचो सोचो सोचो, ए प्लस सिक्स डी। ओके, ए का मान फर्स्ट टर्म कितना चल रहा है 11, इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया, ये घटेगा ना, ए हो गया 8 18 इज इक्वल्स टू 6d, यानी क्लियर हो गया d का मान कितना होगा 3, यानी इस ap का कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया है। अब बताओ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a1, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मेरा कौन है a1 जो है कौन सा टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, देख लो दूसरा टर्म बन रहा है क्या, अब दूसरा टर्म कैसे देते हो, ए प्लस डी है ना, ए मेरा फर्स्ट टर्म कितना चल रहा है 11, ये देखो फर्स्ट टर्म 11, और डी की जानकारी आ चुका है कितना 3, ये ऐड होकर 14, क्लियर हो गया कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मान कितना हो रहा है गाइस, 14 हो रहा है। ओके, अच्छा सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई, सेकंड अर्थमेटिक मीन कौन सा टर्म बन रहा है, थर्ड टर्म बन रहा है, थर्ड टर्म कैसे देते हैं, तो ए प्लस टू डी के रूप में देते हैं, ए का मान पता है डी का मान पता है, समझ में बात ना, ए का मान कितना है 11 प्लस 2, डी कितना आ रहा है 3 है ना, ये हो गया 17 है ना, और थर्ड अर्थमेटिक मीन कितना होगा A3, थर्ड अर्थमेटिक मीन A3 कौन सा टर्म, एक ज्यादा होता है समझ लो, थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, एक ज्यादा टर्म फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म कैसे बताओगे, तो ए प्लस 3D के रूप में ए कितना है 11 है ना, 11 प्लस 3 डी का मान कितना आ रहा है ए भी 3, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20। फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन मतलब कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ पांचवा टर्म हम बोल रहे हैं, उधर देखने का जरूरत नहीं, सिंपल बोलो फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो एक ज्यादा टर्म होगा वो है ना। ए फाइव कैसे दोगे, ए प्लस 4d के रूप में देंगे, ए के रूप में मेरा कितना आ रहा है 11 है, प्लस 4 डी के रूप में कितना आ रहा है ए 3 है, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 11 ए 23 आ जाएगा क्या, देख लो 12 प्लस 11। ठीक है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो कौन सा टर्म होगा, छठा टर्म होगा, गिन सकते हो यहां से भी, यानी ए क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, ए मतलब 11 प्लस 5 डी मतलब डी का मान तो 3 चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 26, 15 प्लस 11, तो यही हमारे पांच अर्थमेटिक मीन हमारे आंसर हो गया। अब फिर से तुम चाहो तो चेक करने के लिए देख चेक कर लो, देख लो अब तुमको चेक करने के लिए बता रहे हैं, देखो A1 कितना आया 14, A2 कितना आया 17, A3 कितना आया 20, अगला है 23, अगला है 26, देखो 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23 प्लस 3 26 प्लस 3, इसका मतलब तो कह लेना कि दिस ए पांच जो है ए दिस फाइव आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स 11 and 29। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तब तो इसी प्रकार से कोई भी दो नंबर्स दिए हों और उनके बीच चाहे जितना भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अब हम चाहे तो एक काम हम लोग कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, कह रहा देयर आर एन अर्थमेटिक मीन, 9 और 27 के बीच एन अर्थमेटिक मीन है ये गिवन, और कह रहा है कि एक चीज और गिवन है कि द लास्ट मीन, लास्ट मीन मतलब क्या है, ऐसा चलो मानो पहले कि लेट A1, A2 ओके A3 डॉट ए बी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू दिस नंबर, बिटवीन टू नंबर्स कौन 9 एंड 27, कारण 9 एंड 27 के बीच एन अर्थमेटिक मीन है, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 27 इफ द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन, रेशियो ऑफ द लास्ट मीन मतलब लास्ट मीन कौन है एन एंड फर्स्ट मीन एक कितना दे रहा है 2/1, तो कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, गिवन है वो गिवन है, क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन ये है 2/1, तो हमसे कर एन का मान क्या होगा, चलो आ जाओ भाई अब बताओ अगर ए एन अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर के बीच तो जो सीक्वेंस प्राप्त होगा वो ए पी में होगा, कहूं कि सिंस क्या कि 9 A1 A2 A3 .. ए एन 27 आर इन ए पी, कोई दिक्कत नहीं कहने में जी, अब जब ए पी में है तो 27 कौन सा टर्म होगा, तो एन टर्म तो यहां है और एक पहले भी है, इसका मतलब है कि 27 जो है एन प्लस टू टर्म होना चाहिए क्या, ठीक है अच्छा ए कैसे बोलो ए प्लस एक कम एन प्लस टू माइनस वन, एन माइनस वन जैसे हम लोग कहते थे इन टू डी ओके, ए की जानकारी कितना है फर्स्ट टर्म 9, एक घट गया तो कितना आ गया 2 माइनस 1 गया, तो एन प्लस वन इन टू डी, इसलिए ये इधर आ जाए 9 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा क्या, ठीक है समझ रहे हो बात, ये घट जाएगा इधर आके तो ये बना हुआ है एन प्लस वन इंटू डी, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/n+1, ठीक है इसको बॉक्स बना लो, जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ द लास्ट अर्थमेटिक मीन एंड द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ये क्या है 2/1, अब बताओ nth अर्थमेटिक मीन कौन सा होगा, तो n प्लस वनथ टर्म होगा, एक ज्यादा होता है तुरंत बात करी ना हमने, nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा तो n प्लस वनथ टर्म होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है तो सेकंड टर्म होता है, देख लो एक ज्यादा जी ये दिया है 2/1 मतलब सिंपल बोलो ले 2 है, अब n प्लस वनथ टर्म कैसे निकलेगा a प्लस एक कम b, ए टू कैसे निकलेगा ए प्लस डी, ठीक है बढ़िया एन का मान चाहिए, हालांकि ए का मान तो गिवन 9, डी निकाल ही चुके हैं, समझो या भी ऐसा करो इसको सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व कर लो तब दे क्रॉस करो, तो इसको ए कितना हो जाएगा ए प्लस 9d और ये क्रॉस गया ये हो गया 2a+2d, और ये देखो ये मिलकर a इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया nd-2d है ना, 3d कॉमन ले लिया ओके, समझ रहा बात, अब a का मान कितना यहाँ पर यूज कर लो 9 n-2 into d, समझ लो ये d का मान कितना है 18/n+1, ठीक है क्या ये दो बार में उड़ जाएगा क्या, तो बचा क्या यहाँ से 1 ये दो बार में गया तो ये हो गया n-2 × 2 n+1, अब यहाँ से क्रॉस कर दो यहाँ ओके मिटा दो इधर से
ठीक है, क्रॉस कर दिया क्या आया एन प्लस वन, एक क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया टू एन माइनस फोर, एक गया तो एन, एन एक गया तो फाइव, लो एन का मान आ चुका है फाइव। ठीक है, ठीक आगे बढ़ूं, ओके सिंपल। अब आई थिंक कि अब तो अर्थमेटिक मीन वाला प्रॉब्लम में तो दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरम अगर आपने ठीक से समझ लिया था तो फिर कोई जान ही नहीं चाहिए। हाँ, अब उसी प्रकार से अगर हम देखें तो नंबर सिक्स की बात करूं, इंजर्ट अर्थमेटिक मीन, ये तो मेरे ख्याल से चलो बना ही दो, चलो देखें क्या बोल रहा है। Insert arithmetic mean between 16 and 65, है ना, such that कि fifth arithmetic mean ये 50 बनाना चाहिए, and find the number of arithmetic mean, यानी n का मान क्या, कह रहा है कि 16 और 65 के बीच आप कितना arithmetic mean रखेंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन की संख्या कितनी होनी चाहिए कि आपको फिफ्थ अर्थमेटिक मीन जो है ना वो 51 के रूप में मिल गया। समझ में आ रहा है, एक बार क्वेश्चन जरा फिर आप समझ लीजिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 16 और 65 के बीच जो है आप कितना अर्थमेटिक मीन रखेंगे कि आपको फिफ्थ अर्थमेटिक मीन 51 के रूप में मिले। तो हम तो कह रहे हैं कि एन अर्थमेटिक मीन रखेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि इनके बीच एन एन अर्थमेटिक मीन रखने पर फिफ्थ अर्थमेटिक मीन हमको क्या मिल रहा है 51 के रूप में। तो चलो, तो लेट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बी एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन, तो अगर ऐसा है तो क्लियर है कि ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन 65 आर इन ए पी होना चाहिए, क्या होना चाहिए जरा सोच के देखो। अरे सर मान ही लिया यार कि इनके बीच का एन अर्थमेटिक मीन ए है, तो सभी सीक्वेंस जो रिजल्टिंग होगा वो तो ए पी में होगा ही होगा, है ना, तो फिर वही कहानी सभी उसी प्रकार से 65 कौन सा टर्म होगा, तो एन टर्म यहाँ पर मौजूद है, एक पहले भी है तो एन प्लस टू टर्म होना चाहिए, है ना। ये कैसे निकालोगे, ए प्लस एक कम एक कम एक कम डी, ए प्लस एक कम डी, ओके समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, ए 16 देख लो प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ये घटा तो क्या हुआ, एक घटेगा 49 आ जाएगा क्या, एन प्लस वन डी, ठीक है, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या होगा, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से डी का मान निकालो तो यह आ जाएगा 49 अपॉन एन प्लस वन, इसको बॉक्स बना लो, ध्यान रहे मैं एन का मान निकालना है, हाँ ठीक है, फिफ्थ टर्म आपको दिया हुआ है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन कितना दिया है 51, तो ये बताओ कि फिफ्थ अर्थमेटिक मीन कौन सा टर्म होगा, एक ज्यादा वाला होता है, सिक्स टर्म होगा, ओके सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस फाइव डी, ओके समझ रहे हो कहानी, अब जो डी का माना है ना यहां उठा के रख दो, और ऑलरेडी ए तो हमें पता ही है, यानी ए ए ए 16 प्लस फाइव डी मीन्स डी मीन्स डी मीन्स अभी अभी निकला है 49 बाई एन प्लस वन, समझ रहे हो, ए का मान यहां से लिया है, डी का मान अभी जो निकला है उसको यूज कर लिए, इज इक्वल टू कौन है 51, समझ रहे हो कहानी ना, बड़े आराम से जी उसको सॉल्व करके एन का मान निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलो क्रॉस करो अब 16 एन, या ऐसा क्यों करें, इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, चार
245 n प्लस वन और ये जा रहा उधर तो ये घटेगा, समझ रहे हो? पांच और ये कितना हो गया तीन, ठीक है। और गुना ही क्यों किए यार, हम नहीं करते थे उसको काटते फिर ऐसे छोड़ दो इसको, समझ लो इसको। ओहो क्या हो गया, समझ लो एज इट इज उधर। अब इसको पांच से उड़ाओ इसको, ठीक है। ये देखो कैसे उड़ेगा, फाइव इस सेवन बार में और सेवन इसको फिर सेवन बार में, अरे यार तो घुमा घुमा के हो गया, यानी कितना हो जाएगा सिर्फ वन हो जाएगा क्या, फाइव सेवन बार में कर फिर सेवन उसको सेवन बार उड़ा दिया। अब क्रॉस कर दो, यानी सेवन इज इक्वल टू एन प्लस वन, इसलिए एन इज इक्वल टू कितना हो जाता है सिक्स, ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब है कि इनके बीच छह अर्थमेटिक मीन रखेंगे तब कहीं जाकर उसका पांचवा अर्थमेटिक मीन जो है 51 के रूप में हम लोगों को मिलने वाला है। तो गाइज इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने तो निकाल ही दी, समझ रहे बात ना, कुछ एक दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे तो आपके लिए हमने छोड़ दिया है। तो आज इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।